हाय स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ये होगा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम दो स्प्रिंग्स लेंगे और दो स्प्रिंग्स की सहायता से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इन कॉम्बिनेशन के साथ एक मास को अटैच करेंगे, फिर उस मास को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कराएंगे। जब ये सिस्टम, स्प्रिंग्स का सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो उसका हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि पहला केस है हमारा, स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पर दो स्प्रिंग्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, जहां K1 और K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है। इन्हें बोलते हैं स्प्रिंग्स कांस्टेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं मास पर, और फोर्स लगाकर मास को डिस्प्लेस कर रहे हैं। मान लीजिए बाय डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर देते हैं। ये डिस्टेंस है हमारी बाय। तो हम जानते हैं स्प्रिंग्स पर एक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, F1। मान लीजिए पहले स्प्रिंग पर फोर्स लग रहा है F1 और दूसरे स्प्रिंग पर फोर्स लग रहा है F2। मान लीजिए पहले स्प्रिंग्स में जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाता है वो हो जाता है Y1 और दूसरे में जो डिस्प्लेसमेंट होगा Y2। तो यहां हम देख सकते हैं कि जो टोटल फोर्स है F, वो बराबर है F1 और F2 के। जबकि एक चीज हम क्लियरली देख पा रहे हैं फिगर से, कि जो पहले स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट होगा वही दूसरे स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये बराबर होगा y के, जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अब क्योंकि हम जानते हैं रिस्टोरिंग फोर्स F बराबर होता है माइनस के बाय, तो यही फॉर्मूला अगर पहले स्प्रिंग के लिए लगाए तो हो जाएगा F1 बराबर माइनस के K1 Y1, और दूसरे स्प्रिंग के लिए हो जाएगा F2 बराबर माइनस के K2 Y2। तो इस तरह से हम यहां लगा सकते हैं कॉम्बिनेशन के लिए फोर्स है माइनस के K Y, जहां के क्या है, सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर माइनस के K1 Y1 माइनस के K2 Y2, क्योंकि Y1 बराबर है Y2 बराबर है Y के। तो इसको हम ले सकते हैं KY बराबर K1 Y प्लस K2 इंटू Y। Y को मैंने कट जाएगा तो यह जाएगा K बराबर K1 प्लस K2, जहां K क्या है, सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट है, पूरे सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब चूंकि हम जानते हैं जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उसका टाइम पीरियड टी बराबर होता है 2π स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन के, जहां k होता है फोर्स कांस्टेंट। यहाँ k की वैल्यू आ गई K1 प्लस K2, तो ये हो जाएगा t बराबर 2π स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन K1 प्लस K2। इस तरह से हो जाएगा, पहला केस हो गया ये। केस नंबर 2 हो जाएगा, स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन देम। इस केस में क्या है, दो स्प्रिंग्स सीरीज में तो कनेक्टेड है, लेकिन ऑब्जेक्ट इनके बीच में है। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पर हम एक फोर्स लगाते हैं F फोर्स लगाकर इसे y डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देते हैं। तो हम देखेंगे, मान लीजिए ये स्प्रिंग है हमारा 1 और ये स्प्रिंग है दूसरा, तो पहला स्प्रिंग एक्सपेंड हो जाएगा,
बाय ही डिस्टेंस से एक्सपेंड हो जाएगा, मान लीजिए इसमें डिस्प्लेसमेंट बाय आ जाता है, और दूसरा स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस ये इस डायरेक्शन में एक्सपेंड होता है पहला, दूसरा कंप्रेस हो जाएगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, कितना कंप्रेस होगा मान लीजिए बाय टू कंप्रेस होगा। अब पहले स्प्रिंग पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एफ वन फोर्स, दूसरे स्प्रिंग पर ही फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एफ टू फोर्स। तो हम देख सकते हैं कि टोटल फोर्स इस केस में भी कितना है, एफ वन प्लस एफ टू है, जबकि इस केस में भी देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट y बराबर होगा पहले स्प्रिंग में जो एक्सपेंडेशन हो रहा है वो बराबर होगा जो दूसरे स्प्रिंग में कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि पहले स्प्रिंग जितना खोलेगा दूसरा स्प्रिंग उतना ही दबेगा, तो पहले स्प्रिंग में एक्सपेंडेशन यानी y1 बराबर हो जाएगा दूसरे स्प्रिंग में कंप्रेशन के, जो कि बराबर होगा जितना हमने डिस्प्लेस किया था बॉडी को। तो इस तरह से फिर अगेन हम जानते हैं कि F बराबर होता है माइनस के K बाई, ये फॉर्मूला फिर लगा देंगे, माइनस के K Y बराबर माइनस के K1 बाई 1 माइनस के K2 बाई 2। तो यहाँ क्योंकि Y बराबर है बाई 1 बराबर है बाई 2 के, तो ये आ जाएगा K Y बराबर K1 बाई प्लस K2 बाई, तो इस तरह से k बराबर जाएगा k1 प्लस k2। अगेन चूंकि हम जानते हैं टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k, जहां k क्या है सिस्टम का फोर्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है k बराबर k1 प्लस k2, e बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k1 प्लस k2, ये हो जाएगा हमारा केस नंबर 2। अब हम देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में है स्प्रिंग्स आर इन सीरीज एंड ऑब्जेक्ट इज एट एंड, हमारे स्प्रिंग्स सीरीज में है लेकिन ऑब्जेक्ट दोनों स्प्रिंग्स के लास्ट में कनेक्टेड है, इस केस में क्या होता है। जैसे कि इसमें हम मान लीजिए एक फोर्स लगाते हैं बॉडी पर F, जब हम बॉडी पर एक फोर्स F लगाते हैं और इसको फोर्स F लगाकर मान लीजिए बाय डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करते हैं, ये हमने बाय डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया, तो यहाँ क्लियर है पहला स्प्रिंग से K1, दूसरा स्प्रिंग है K2, पहले स्प्रिंग पर फोर्स लगेगा F1 और दूसरे स्प्रिंग पर फोर्स लगेगा F2, क्योंकि पहला स्प्रिंग और दूसरा स्प्रिंग दोनों अलग अलग है, दोनों की मोटाई अलग अलग है, तो पहला स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लीजिए वो है Y1 और दूसरे स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट होगा Y2, और यहाँ पर देख सकते हैं Y1 और Y2 अलग अलग होंगे क्योंकि स्प्रिंग हमारे अलग अलग है, जबकि यहाँ पर एक चीज क्लियर है क्योंकि स्प्रिंग दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और ऑब्जेक्ट एट दी एंड है, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है F वो बराबर हो जाएगा F1 के और F2 के, क्योंकि F1 पे जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही F2 पर लग रहा होगा, और ये कितना होगा F के बराबर के। जबकि यहाँ पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो Y1 और Y2 के सम के बराबर होगा, क्योंकि जैसे कि हम यहाँ एक फिगर से में देख सकते हैं, ये मान लीजिए कोई स्प्रिंग था, ये मान लीजिए हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट करा है इसको इतना y तक इसको डिस्प्लेस किया है, तो हुआ इसमें यह है पहला स्प्रिंग मान लीजिए यहां तक एक्सपेंड हुआ और दूसरा स्प्रिंग मान लीजिए इस तरह से यहां तक एक्सपेंड हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो y हुआ, जिसमें से मान लीजिए पहला स्प्रिंग y1 डिस्प्लेस हुआ, दूसरा y2 डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि दोनों स्प्रिंग अलग अलग थे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा y बराबर y1 प्लस y2, क्योंकि हम जानते हैं अगेन रिस्टोरिंग फोर्स F बराबर होता है माइनस के k y, तो यहाँ y निकाल लेंगे y बराबर जाएगा F अपॉन k, ये फॉर्मूला लगा देंगे माइनस के F अपॉन k, तो जगह माइनस के F1 अपॉन k1
माइनस के एफ टू अपॉन के टू। और चूंकि हम जानते हैं f बराबर है f1 बराबर f2 के, तो ये हो जाएगा f अपॉन k बराबर जाएगा f1 की जगह f अपॉन k1 प्लस f अपॉन k2। f कॉमन लेके कट जाएगा तो ये जाएगा 1 अपॉन k बराबर 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। ये आ जाएगा हमारा। इसी तरह से अगर दो की जगह तीन स्प्रिंग होते तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाता, वन अपॉन के बराबर वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू प्लस वन अपॉन के थ्री। और मान लीजिए चार होते तो यहाँ चौथा भी आ जाता, जितने स्प्रिंग होंगे वो सारे इस तरह से कंबाइंड हो जाएंगे। मैं फिर से एक केस ले लेता हूँ। इस केस में के की वैल्यू आ जाएगी के वन के टू अपॉन K1 प्लस K2, क्योंकि टाइम पीरियड होता है T बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ M अपॉन K। यहाँ K की वैल्यू है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ M अपॉन K1 K2 अपॉन K1 प्लस के टू। तो ये हो जाएगा टी बराबर टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम इंटू के वन प्लस के टू अपॉन के वन इंटू के टू। इस तरह से ये हमारा स्प्रिंग का पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक है जिसमें हमको फाइंड करना है टाइम पीरियड, लेकिन केस क्या हो जाएगा, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इनसाइड अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी। जब लिफ्ट रुकी हुई है तो टाइम पीरियड है टी। इफ द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन जी बाई टू टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी। जब हमारी लिफ्ट g by 2 एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाती है तब उसका टाइम पीरियड कब कितना हो जाएगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t बराबर होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी होता है। अब क्या है, केस नंबर वन ले लेते हैं। केस नंबर वन, जब लिफ्ट रुकी हुई है, व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी, या जब क्या है लिफ्ट रुकी हुई है यानी स्टेशनरी कंडीशन में टाइम पीरियड दे रखा है टी, जो कि होगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। अब केस टू में क्या है, हमारी लिफ्ट, ये क्या है लिफ्ट है, इस लिफ्ट में सिंपल पेंडुलम है जो कि लटका हुआ है। अब ये लिफ्ट क्या है, मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर मूव कर रही है, ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि सिंपल पेंडुलम के बॉब पर, इसे बोलते हैं बॉब पर, एक जब हमारी लिफ्ट रुकी थी इस पर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है जी, अर्थ की ग्रेविटी के कारण। अब चूंकि लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर मूव कर रही है तो न्यूटन के थर्ड लॉ से सिस्टम को बैलेंस करने के लिए इस ए के अपोजिट डायरेक्शन में बॉब पर एक और एक्सेलरेशन लगेगा, स्यूडो एक्सेलरेशन। तो चूंकि यहाँ एक ही डायरेक्शन है ऊपर की ओर, तो बॉब पर एक और एक्सेलरेशन लेगा जिसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी जिसकी डायरेक्शन एक और एक्सेलरेशन हमारा लग जाएगा, इस तरह से ए एक्सेलरेशन। अब सेकंड केस में बात कर लेते हैं, केस नंबर टू
जब हमारी लिफ्ट मूव कर रही है, जब लिफ्ट मूव कर रही है तो टाइम पीरियड मान लीजिए टी टू है, बराबर हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी ना होकर के यहाँ हो जाएगा जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव की वैल्यू हम फिगर से देख सकते हैं जो कि है जी प्लस ए। तो टाइम पीरियड टी टू बराबर हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी प्लस ए। जबकि यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए जी बाई टू। तो इस तरह से टी टू बराबर आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी प्लस जी बाई टू। ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल और ये 2 और 3 3g अपॉन 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2l अपॉन 3g। ये हो जाएगा t2। इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं इसे, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से, तो ये आ जाएगा t2 अपॉन t बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, इसलिए लेते हैं 2 अपॉन 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी अपॉन, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, इस तरह से हमारा जो t2 यानी मूविंग कंडीशन में जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3। ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा जब लिफ्ट मूव कर रही है ऊपर की डायरेक्शन में। अब हम बात कर लेते हैं केस नंबर 2, इसी का ही सेकंड केस है। इसमें भी टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इनसाइड द लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी। इफ द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन जी बाय 5 द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी। तो चूंकि यहाँ पे ये जैसे कि लिफ्ट दिखा रखी है, इस लिफ्ट में जब लिफ्ट रुकी हुई थी तो उस पर केवल एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा जी, अर्थ की ग्रेविटी के कारण। अब ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से मान लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो सिस्टम को बैलेंस करने के लिए न्यूटन के थर्ड लॉ से इस बॉब पर एक और एक्सेलरेशन कार्य करेगा जिसकी डायरेक्शन ए की अपोजिट होगी। तो ए की अपोजिट डायरेक्शन ये हो जाएगी, मान लीजिए इस तरह से ये हो जाएगी ए, इस तरह से ऊपर की ओर हो जाएगी। अब देख सकते हैं इस पर बॉब पर दो तरह के एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं जी और ए। तो केस नंबर 1 इसमें भी ले लेते हैं, केस नंबर वन जब लिफ्ट रुकी हुई है यानी स्टेशनरी है, स्टेशनरी कंडीशन में टाइम पीरियड है टी जो कि होगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी, एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा जब लिफ्ट रुकी हुई होगी अर्थ की ग्रेविटी के कारण। केस नंबर 2 अब लेते हैं केस नंबर टू में क्या है, लिफ्ट मूव कर रही है। जब लिफ्ट मूव कर रही है तो टाइम पीरियड मान लीजिए टी टू है जो कि होगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव, क्योंकि इस समय दो एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं। और फिगर से क्लियर है कि जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी माइनस ए, क्योंकि इस पर दो एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं, एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड है ये जी और एक की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो नेट एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो माइनस हो जाएगा डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण, नेट एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से टी टू बराबर आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी माइनस ए, और यहाँ ए की वैल्यू दे रखी है जी बाई 5। तो जी इफेक्टिव हो जाएगा हमारा
जी माइनस जी बाई फाइव, यानी कि ये हो जाएगा 4g अपॉन 5। तो इस तरह से t2 हो जाएगा हमारा 2π स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन 4g अपॉन 5, और ये हो जाएगा 2π स्क्वायर रूट ऑफ 5l अपॉन 4g। इसको हम लिख सकते हैं 2π स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2, और ये जो हमारा पहला केस था इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 से, तो देखते हैं यह आ जाएगा t2 अपॉन t बराबर जाएगा 2π स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g, और ये हो जाएगा 2π स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g। 2π से 2π कैंसिल, और स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g से स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g कैंसिल, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 4। तो इस केस में जो हमारा टाइम पीरियड आ रहा है जब लिफ्ट मूव कर रही है, तो आ जाएगा टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 4, ये आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 320 Hz प्रोड्यूसेस इन एयर साउंड्स ऑफ वेवलेंथ 1.1 meter, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है हमको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। गिवन दैट फ्रीक्वेंसी 320 Hz, और वेवलेंथ दे रखी है 1.1 मीटर। हमसे कैलकुलेट करवा रहा है वेलोसिटी, v क्या होती है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी f दे रखी है, वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है, और वेलोसिटी v की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। क्योंकि हम जानते हैं v बराबर होता है f लैम्डा, तो v की जगह ये फॉर्मूला लगा देंगे v बराबर f लैम्डा, f की वैल्यू दे रखी है 320, लैम्डा की वैल्यू देखिए 1.1। तो इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे v बराबर f लैम्डा को, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 352 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है, गिवन दैट y बराबर 0.40 साइन 440t प्लस 0.61 बाई, कह रहा है वाई इज इन मीटर, जहां वाई मीटर में है और टी सेकेंड में। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एम्पलीट्यूड क्या होगा उस ऑस्किलेटर का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन क्या होंगे, और टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन क्या होगा इनिशियल फेज। तो हमसे पूछ रहा है सबसे पहले एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, ए की वैल्यू क्या है। सेकंड केस में हमसे पूछ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा क्या होगा। तीसरे केस में हमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन यानी कि एफ की वैल्यू क्या होगी। चौथे केस में पूछ रहा है हमसे टाइम पीरियड क्या होगा, और पांचवे केस में हमसे पूछ रहा है इनिशियल फेज क्या होगा, वाई क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं
सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y बराबर होता है a साइन ओमेगा t प्लस y। मान लीजिए इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर टू। जब हम इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो ए एम्पलीट्यूड ए बराबर आ जाएगा 0.40 मीटर। तो पहला आ गया एम्पलीट्यूड ए बराबर 0.40 मीटर। फिर हम देख रहे हैं दूसरा, ओमेगा की वैल्यू आ जा रही है 440 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। दूसरा आ गया हमारा, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। और तीसरा, इसके अलावा जो हमारा पांचवा आ रहा है, इनिशियल फेज 5 बराबर आ गया 0.61 रेडियन। इनिशियल फेज 5 बराबर आ गया 0.61 रेडियन। अब हम फ्रीक्वेंसी f और टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो, हम कैलकुलेट करें 3, क्योंकि हम जानते हैं f बराबर होता है 2πf, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी f बराबर जाएगी ओमेगा अपॉन 2π। ओमेगा की वैल्यू है 440, 2π की वैल्यू है 22/7, तो ये हो जाएगी 440 अपॉन 44/7, और 44 से 44 कैंसिल और ये आ जाएगा 70। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 70 हर्ट्ज। अब हमको कैलकुलेट करना है चौथा पॉइंट, टाइम पीरियड, क्योंकि हम जानते हैं टाइम पीरियड टी बराबर होता है 1/f, तो टाइम पीरियड आएगा 1/f, f की वैल्यू कितनी है 70, 1/70। सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका आंसर, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सेलरेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे क्या दे रहा है, हमें दे रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, क्योंकि हम जानते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, तो एक तरह से उसने एम्पलीट्यूड दे दिया हमको ए बराबर 4 सेंटीमीटर, जैसे कि इस फिगर में मैं दिखा रखा है, ये कोई पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर है। अब ये क्या है, जब ये पार्टिकल 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में होता है तो इस समय इसका एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू इसने दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस में जब ये 2 सेंटीमीटर का होता है तो इसकी हमको यहां पर वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्योंकि हम जानते हैं, अब हम बात कर लेते हैं एट y बराबर 1 सेंटीमीटर, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर है उस केस में बात कर लेते हैं। इस केस में एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, इस केस में एक्सेलरेशन अल्फा बराबर रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई।
तो यहां से ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड है अल्फा का, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 3 बराबर ओमेगा स्क्वायर, वाई की वैल्यू दे रखी है 1, तो इस तरह से ओमेगा बराबर जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेडियन पर सेकेंड। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है वेलोसिटी। तो अब हम बात करें एट y बराबर 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर पर वेलोसिटी, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी बराबर होती है ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कैलकुलेट कर ली रूट 3 स्क्वायर रूट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 4 सेंटीमीटर यानी कि एम्पलीट्यूड दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और किस डिस्टेंस पर हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं वाई बराबर 2 सेंटीमीटर, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा रूट 3, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 में से 4 घटाएं 12, हो जाएगा रूट 3 इंटू 12, 12 को हम ले सकते हैं 4 इंटू 3। तो इस तरह से ये वेलोसिटी आ जाएगी 4 का आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 यानी 3, 2 इंटू 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारी वेलोसिटी v की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड ऑफ t, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 21% फाइंड द इंक्रीज इन इट्स टाइम पीरियड। तो उसके टाइम पीरियड में कितनी इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t बराबर होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g। अब हमसे कह रहा है लेंथ को हम 21% बढ़ा दे रहे हैं। नाउ लेंथ मान लीजिए इसको हमने कह दिया l1, कह रहा है इसको इनिशियल से 21% इंक्रीज कर रहे हैं का 21%, तो l का 21% निकालते हैं, l प्लस l इंटू 21 अपॉन 100 यानी क्या हो जाएगा 121 l अपॉन 100 यानी कि हो जाएगा ये 1.21 l अपॉन 1.21 L। अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए टाइम पीरियड हो जाता है T1 बराबर हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L1 अपॉन G, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L1 की वैल्यू 1.21 L अपॉन G। तो क्योंकि हम जानते हैं 1.21 ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ ये होता है 1.1 का स्क्वायर इंटू एल अपॉन जी, तो ये हो जाएगा 1.1 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। फिर आई फाइंड द इंक्रीज इन इट्स टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो इंक्रीमेंट कितना आ जाएगा, इंक्रीज इंक्रीज इन टाइम पीरियड जिसे हमने डेल टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यह आ जाएगा टी वन माइनस टी और टी वन हमारा है 1.1 इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी, जबकि t कितना है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g। इस तरह से कॉमन ले लेंगे 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g और ये आ जाएगा 1.1 माइनस 1 जो कि आ जाएगा 0.1 इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g। अब अगर हमसे पूछे कितने परसेंट वृद्धि हुई है, परसेंटेज में अगर हम इंक्रीमेंट निकालें, परसेंटेज इंक्रीमेंट
तो कितना हो जाएगा डेल टी अपॉन टी इंटू 100। डेल टी हमारा है 0.1 इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी, जबकि टी हमारा है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी इंटू 100। इसे कैसे, तो हमारा इस तरह से टाइम पीरियड में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन टाइम पीरियड कितना आ जाता है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग्स कॉन्स्टेंट के 2k 4k के आर कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। अ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ द लास्ट स्प्रिंग एंड द सिस्टम इज अलाउड टू वाइब्रेट। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इस पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे चार स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग नंबर 1, स्प्रिंग नंबर 2, स्प्रिंग नंबर 3, स्प्रिंग नंबर 4। चारों स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड है और जो मास है वो चारों के लास्ट में कनेक्टेड है। तो जब चार स्प्रिंग, जब इस तरह की स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और मास लास्ट में कनेक्टेड होता है, तो पूरे सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकल के आता है, 1/k। इस तरह से कहते हैं 1/k बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था यहाँ 1/k1 की वैल्यू दे रखी है k, 1/k2 की वैल्यू दे रखी है 2k, k3 की वैल्यू दे रखी है 4k और k4 की वैल्यू रखिए k। यहाँ k की वैल्यू निकाल लेंगे, मान लीजिए इसे k डैश कहते हैं, जो सिस्टम का टाइम स्प्रिंग कांस्टेंट है इसे k डैश मैंने कह दिया। यहां से आ जाएगा 4k, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4, 4, 2, 6, 7, 7, 4, 11 अपॉन 4k, ये 1/k डैश। तो k डैश इस तरह से आ जाएगा 4k/11, ये आ जाएगा। अब हमको निकालना है टाइम पीरियड, क्योंकि हम जानते हैं सिस्टम का टाइम पीरियड t बराबर होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k, जहां k होता है सिस्टम का टाइम स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जो ये है k डैश, ये आ जाएगा हमारा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k डैश की वैल्यू आ गई 4k/11। तो सिस्टम का टाइम पीरियड आ जाएगा t बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 11 m अपॉन 4k। इस तरह से ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The amplitude of a particle during SHM is 0.08 meter. Calculate at what displacement from the mean position potential energy is half of total energy. तो हमको यहाँ पर amplitude दे रखा है। Given that amplitude a बराबर है 0.08 meter, कैलकुलेट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, कितनी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, कंडीशन कह रखी है हमसे कि उस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की हाफ है, क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, जबकि हम जानते हैं टोटल एनर्जी होती है हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये हमने
कैपिटल ए कहते हैं, ए स्क्वायर। तो इस यहां देख सकते हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल, एम से एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2। ए की वैल्यू देखिए 0.08 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा 0.08 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.08 का स्क्वायर। तो इस तरह से y की वैल्यू आ जाएगी 0.08 अपॉन रूट 2, और जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 0.08 अपॉन 1.414। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.08 डिवाइडेड बाय 1.414, तो ये वैल्यू ये आ जाती है हमारी 0.056 मीटर। जब हम इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.056 मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ बिल्डिंग इज 8000 क्यूबिक मीटर। एक बिल्डिंग है जिसकी वॉल्यूम हमको दे रखा है, गिवन दैट एक बिल्डिंग है जिसका हमें वॉल्यूम दे रखा है V बराबर 8000 मीटर क्यूबिक। द टाइम ऑफ रिवर्बरेशन इज 1 सेकेंड, हमें रिवर्बरेशन टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एवरेज एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट, हमको एवरेज एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। If the area of absorption, area दे रखा है हमको S बराबर 25,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं फ्रॉम सेवाइंस फॉर्मूला, क्योंकि हम जानते हैं फ्रॉम सेवाइंस फॉर्मूला रिवर्बरेशन टाइम T बराबर होता है 0.165 वॉल्यूम अपॉन टोटल एब्सॉर्प्शन ए, जहां ये हो जाएगा 0.165 इंटू वॉल्यूम अपॉन, और टोटल एब्सॉर्प्शन निकालते हैं एब्सॉर्प्शन कोफिशियंट इंटू एरिया। इस तरह से टाइम हमको दे रखा है 1 सेकेंड, 0.165 वॉल्यूम हमको दे रखा है 8000 अपॉन एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट निकालना है, सरफेस एरिया दे रखा है 25,000। यहाँ एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट ए बराबर जाएगा 0.165 इंटू 8000, यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8/25 ये आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.165 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाती है वैल्यू लगभग 0.05 इस तरह से एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट की वैल्यू आ जाती है, यही हमारा आज हो जाता है। और इस तरह से हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे।